Hello, this is me, Dimple Jain. Welcome back to VSM Learners. In today's video, we are going to continue vertebrata subphylum था जो हमारा और इस subphylum की कुछ सुपर क्लास और कुछ क्लासेस को आप पढ़ चुके हैं. आपने साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ लिया है. सुपर क्लास पाइसेस के बारे में एक और वीडियो आई थी जिसमें कॉन्ड्रिकाइटिस और ऑस्टिकाइटिस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था. आज की ये जो वीडियो है वो क्लास एम्फीबिया के बारे में है. एम्फीबिया यानी कि उन एनिमल्स के बारे में है जो लैंड पे भी रह सकते हैं और जो पानी में भी रह सकते हैं. तो फटाफट से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और जो सबसे पहली चीज़ है वो एनसीईआरटी की वही क्लासिफिकेशन टेबल है जिसे हम पहले ढंग से रिवाइज करने वाले हैं. तो इससे पहले वाली वीडियोस में आपने क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ लिया था जहाँ हमने टेरोमाइजोन के बारे में पढ़ा था. और इनकी खास बात ये होती है कि इन क्लास के एनिमल्स के पास या एगेंथा के पास जॉ नहीं होता है. तो दे हैव राउंड माउथ ओनली, है ना. एंड देन हम ग्नेथोस्टोमेटा पर आए थे उन एनिमल्स पर जिनके पास जॉ होता है. नाउ दैट ग्नेथोस्टोमेटा जो था वो दो काइंड्स में बाइफर्केट था. एक था पाइसेस जिनके पास फिन होती हैं और एक थे टेट्रापोड्स जिनके पास चार लिम्ब्स होती हैं. दे हैव फोर लिम्ब्स. पाइसेस पे इससे लास्ट वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है जिसमें उन एनिमल्स के बारे में पढ़ा गया है जिनके पास फिन्स होती हैं, यानी कि एक्वाटिक एनिमल्स, मछलियों के बारे में पढ़ाई की थी और उसके दो क्लास कॉन्ड्रिकाइटिस और ऑस्टिकाइटिस के बारे में बताया था. कॉन्ड्रिकाइटिस यानी कि कार्टिलेजिनस फिशेस थी और ऑस्टिकाइटिस यानी कि बोनी फिशेस के बारे में बताया गया था. आज की जो वीडियो है उसमें हम टेट्रापोड्स को डिस्कस करेंगे और क्लास एम्फीबिया के करेक्टरिस्टिक्स पर ध्यान देंगे. जो टेट्रापोड क्लास है ये वो क्लास या ग्रुप है जिनके पास चार लेग होते हैं या फोर लिम्ब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. तो वो सारे एनिमल जिनके पास टू फोर लिम्ब्स एंड टू हाइंड लिम्ब्स हैं वो सब इस कैटेगरी में आते हैं. इन एनिमल्स की खास बात और ये भी है कि इनके लिम्ब्स में ईदर दे आर टेट्राडेक्टाइलस और पेंटाडेक्टाइलस. मतलब क्या हुआ, इनके लिम्ब्स पे फिंगर्स होती हैं. डेक्टाइलस का मतलब फिंगर होता है और कुछ ऐसे लिम्ब्स होते हैं यानी कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके लिम्ब्स में सिर्फ चार फिंगर हैं तो हम उसे टेट्राडेक्टाइलस कहते हैं और जिनके पास पांच फिंगर होती है उसे हम पेंटाडेक्टाइलस कहते हैं. इट इंक्लूड्स बोथ कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी होते हैं और वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी इस ग्रुप में इंक्लूड होते हैं, ठीक है. कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं, पॉइकिलोथर्मिक जैसे कि पाइसेस भी थे, यानी वो अपने आप का टेम्परेचर अपने सराउंडिंग के हिसाब से सेट कर लेते हैं, बट वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऐसा नहीं कर पाते हैं. हैबिटेट की बात करें तो जितने भी टेट्रापोड्स हैं वो हर जगह मिल जाते हैं. पानी में भी मिलते हैं, लैंड पे भी मिलते हैं और हवा में भी मिलते हैं. एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन कैसा होता है, टेट्रापोड्स का जो एंडोस्केलेटन होता है इट इज़ मेड अप ऑफ बोन्स और एक्सोस्केलेटन में तो हमारे यानी कि हम भी टेट्रापोड ही हैं तो हम लोगों की जो कैटेगरीज होती हैं, वी हैव हेयर ऑन एज एक्सोस्केलेटन. और किसी के पास फेदर होते हैं, बर्ड्स के पास विंग्स हैं, फेदर्स हैं, ठीक है. किसी के पास स्केल्स हैं, जैसे क्रोकोडाइल्स की बात करें, रेप्टाइल की बात करें, दे हैव स्केल्स. तो एक्सोस्केलेटन बहुत सारे तरीके में या बहुत सारे फॉर्म्स में टेट्रापोड में देखने को मिलता है. गिल्स आर प्रेजेंट ऑन एम्ब्रियोनिक स्टेज. ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि जो इससे पहले वाला ग्रुप था उसके पास सबसे कॉमन फीचर यही है कि उनके पास रेस्पायरेटरी ऑर्गन में दे हैव गिल्स. लेकिन अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमारे पास गिल्स सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहा है और अडल्ट स्टेज में ये किसी जानवर में हमें गिल्स देखने को नहीं मिलते हैं. तो ये था बेसिक सी नॉलेज अबाउट टेट्रापोड्स. नाउ वी आर मूविंग टू द क्लास एम्फीबिया. एम्फीबिया के बारे में बात करेंगे तो ये जो सुपर क्लास है एम्फीबिया की, ये जो क्लास है इट कंसिस्ट ऑफ टोड्स, फ्रॉग्स है, टोड्स है, सेलेमेंडर्स हैं, ठीक है. तो ये जो क्लास है इसमें सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं यानी दे आर पॉइकिलोथर्मिक, ठीक है. ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर अपने एनवायरनमेंट के साथ मेंटेन करना जानते हैं और ये कर सकते हैं, दे आर कैपेबल ऑफ इट. इनका जो हैबिटेट है सबको पता है. मैंने फ्रॉग्स की बात कर ली है भाई, तो फ्रॉग्स के बारे में किसे नहीं पता. जितने भी फ्रॉग्स होते हैं दे आर एम्फीबियंस यानी वो
लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। तो हैबिटेट दोनों तरीके का है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये फ्रॉग्स होते हैं, सेलेमेंडर्स होते हैं, टॉड्स होते हैं, यानी कि सारे के सारे एम्फीबियंस, ये पानी में सिर्फ रिप्रोडक्शन के टाइम पे जाते हैं, वरना इन्हें लैंड की ज़िंदगी ज़्यादा प्यारी है। ये चाहें तो पूरी ज़िंदगी ज़मीन पे यानी कि लैंड पे निकाल सकते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें पानी में जाना ज़रूरी होता है। इसीलिए पानी इनका एक हैबिटेट है, ठीक है। यानी मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो लार्वल स्टेज होता है एम्फीबियंस का, वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में ही डेवलप होता है, और जो एडल्ट स्टेज होता है वो लैंड एनवायरनमेंट में डेवलप होता है। क्यों ज़रूरी है ये रिप्रोडक्शन के टाइम पे, तो मैं अच्छे से डिस्कस करूँगी ही। अभी के लिए ये समझ लीजिए कि जो ये हमारे पास एम्फीबियंस होते हैं, ये एग्स ले करते हैं, है ना। और अगर ये एग्स ले कर रहे हैं तो एग्स को प्रोटेक्शन भी चाहिए और एग्स को कोई फ्लूइड चाहिए ताकि एग्स और स्पर्म एक दूसरे से मिल सकें, क्योंकि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। तो इस वजह से इनके लिए वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट, अदरवाइज ये पानी में ना जाएं तो ये ज़्यादा खुश हैं ना। इनकी बॉडी जो होती है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है, कुछ एम्फीबियंस के पास टेल भी नहीं होता है, लेकिन अगर मैं जनरली बात करती हूँ तो इनकी बॉडी एक हेड में, ट्रंक में और टेल में डिवाइड होती है। पर कुछ ऐसे एम्फीबियन हैं जैसे कि फ्रॉग्स हैं, इनके पास टेल नहीं होता है। स्किन इनकी स्मूथ और स्केललेस है, यानी कि इनकी स्किन पे कोई भी स्केल प्रेजेंट नहीं है। स्केल्स के बारे में पाइसेस में हमने डिस्कस किया था, थोड़े से हार्डी स्ट्रक्चर होते हैं, प्रोटेक्शन में बहुत हेल्प करते हैं, लेकिन ऐसा इनके पास ऐसा कुछ नहीं है। इनकी स्किन मॉइस्ट होती है, बहुत ही चिपचिपी सी, दिखने में ही आपको लग जाए अजीब सा लगेगा, जैसे हमें रेप्टाइल्स की स्किन को देख के लगता है, तो इनकी स्किन तो और ज़्यादा मॉइस्ट होती है। रीज़न, ये रेस्पायरेशन करते हैं अपनी मॉइस्ट स्किन से, इस वजह से ताकि आसानी से गैसेस का डिफ्यूजन हो सके, ऑस्मोसिस हो सके, इसीलिए इनकी स्किन मॉइस्ट रहती है। अब इनके ग्लैंड्स की अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे न्यूमरस ग्लैंड्स इनके स्किन पर प्रेजेंट होते हैं, विच इंक्लूड म्यूकस ग्लैंड, क्रोमैटोफोर्स जो कलर रिलीज करते हैं, म्यूकस ग्लैंड एक्चुअली में स्किन को मॉइस्ट रखता है, पॉइजनस ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं। ये याद रखिएगा कि कुछ ऐसे भी हमारे पास एम्फीबियन हैं विच आर एक्सट्रीमली पॉइजनस, उनकी स्किन को छूने से भी आपकी बॉडी में पॉइजन आ सकता है। लिम्स, हमने अभी बात करी कि टेट्रापोड्स हैं, तो दे हैव फोर लिम्स, टू पेयर ऑफ फोर लिम एंड टू पेयर ऑफ हाइंड लिम, अ पेयर ऑफ फोर लिम एंड अ पेयर ऑफ हाइंड लिम, सॉरी। और जो हमारे पास फोर लिम्स होते हैं वो टेट्राडेक्टाइलस होते हैं, यानी दे हैव फोर फिंगर्स ऑन इट। और अगर मैं हाइंड लिम्स की बात करूँ तो दैट इज पेंटाडेक्टाइलस, देयर आर फाइव फिंगर्स ऑन हाइंड लिम्स। कोई भी नेल या क्लॉ इनके पास प्रेजेंट नहीं होता है। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा कि इनके फिंगर्स पे कोई भी नेल या क्लॉ प्रेजेंट नहीं है। ये देखिए, आपको बहुत क्लियरली दिख रहा है, क्या यहाँ कोई नेल या क्लॉ है? तो बेसिकली ये इनके प्रोटेक्शन के लिए इनके पास ये चीज़ है नहीं, ठीक है। नेल्स और क्लॉ को इस एक तरीके से हम एक प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो इनके पास वो चीज़ नहीं है। नाउ मूविंग टू देयर ऑर्गन सिस्टम, सो डाइजेशन की बात करते हैं, तो दे हैव जॉ, ऑब्वियसली गैनेथोस्टोमेटा में है तो इनके पास जॉ होगा, अपर और लोअर जॉ दोनों हैं। टीथ इनके पास एक्रोडोंट है। एक्रोडोंट टीथ क्या होता है? एक्रोडोंट का मतलब होता है कि जो टीथ है वो सॉकेट में अच्छे से फिट नहीं है, ठीक है। हम कैसे हैं? हम थीकोडोंट हैं, हमारे टीथ सॉकेट में बहुत अच्छे से फिट हैं, लेकिन एक्रोडोंट टीथ का मतलब होता है कि इनके जो दांत हैं ये सॉकेट में अच्छे से फिक्स नहीं है, टाइटली पैक्ड नहीं है, ठीक है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, मतलब वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम है, लेकिन जो अलग है वो है दांत, दांत इनके एक्रोडोंट हैं। रेस्पायरेशन की अगर हम बात करते हैं, तो रेस्पायरेशन के लिए इनके पास डेफिनेटली गिल्स तो है नहीं, क्योंकि गिल्स हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ही ख़त्म हो चुके थे टेट्रापोड्स में। तो इनके पास लंग्स है या मॉइस्ट स्किन है, ठीक है। कई जगह आपको पढ़ने को मिलता है कि गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं, बट रिमेंबर टेट्रापोड्स में जो गिल हैं वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ख़त्म हो चुके हैं, तो इनके पास अब लंग्स और मॉइस्ट स्किन है फॉर रेस्पायरेशन। ऑल्सो इनमें भी हमें डायरहाइनस कंडीशन देखने को मिलता है। डायरहाइनस कंडीशन पहले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, इससे पिछली वीडियो में भी। ये वो कंडीशन होती है जिसमें एनिमल्स के पास
दो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं, दे हैव टू एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स. तो डायरहेनस कंडीशन होती है एम्फीबियंस के पास भी, ठीक है. ऑल्सो इनमें रिब्स एबसेंट होते हैं, रिब्स आर टोटली एबसेंट, यानी इनके पास कोई ऐसा रिब केज नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इनके लिवर को, लंग्स को, इनके हार्ट को प्रोटेक्ट करती हो, ठीक है. तो इनका रेस्पायरेशन इज सिंपल बाय लंग्स और इधर बाय मॉइस्ट स्किन, ठीक है. मॉइस्ट स्किन के थ्रू गैसेस का डिफ्यूजन हो सकता है, तो वो एक और मेथड है जो इनके पास होता है, ठीक है. नाउ वी आर मूविंग टू दी सर्कुलेशन. तो सर्कुलेशन इनके पास थ्री चैम्बर्ड हार्ट है. इससे पहले जब हमने पाइसेस पढ़ा था तो उनके पास टू चैम्बर्ड हार्ट था, लेकिन इनके पास थ्री चैम्बर्ड हार्ट है. दे हैव टू एट्रियम एंड वन वेंट्रिकल, आपको डायग्राम में दिख सकता है. आरबीसीज जो होते हैं वो बायकॉन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ऐसा हमारे पास नहीं है. ह्यूमंस के जो आरबीसीज हैं दे आर नॉन न्यूक्लिएटेड, उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, लेकिन एम्फीबियंस के आरबीसीज के पास न्यूक्लियस होता है. नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो डेफिनेटली कॉर्डेट्स पढ़ रहे हैं, टेट्रापोड्स के बारे में पढ़ाई हो रही है, तो इनका नर्वस सिस्टम तो डेवलप्ड है ही. इट इज़ वेरी वेल डेवलप्ड. बात आती है कि इनका जो क्रेनियम है वो कैसा बना हुआ है. क्रेनियम क्या है? इट्स अ बोनी स्ट्रक्चर जो कवर करके रखता है ब्रेन को, करेक्ट. बट यहाँ पे जो इनका क्रेनियम है, इट इज़ अ कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर, कार्टिलेज का बना हुआ है. इट्स अ कवरिंग ओवर द ब्रेन जो उसे प्रोटेक्ट करे. लेकिन अब कार्टिलेज का बना हुआ है, विच मीन्स ये उतना हार्ड नहीं है. इट प्रोटेक्ट्स टू अ मच मोर एक्सटेंट, लेकिन ये फिर भी हार्ड स्ट्रक्चर नहीं है. नाउ इनके पास क्रेनियल नर्व्स भी प्रेजेंट होती हैं. दे हैव 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स. क्रेनियल नर्व्स क्या होते हैं? वो नर्व्स जो क्रेनियम से रिलीज होती हों. तो इनके पास 10 पेयर्स हैं, यानी देयर आर 20 क्रेनियल नर्व्स इन एम्फीबियंस. ऑल्सो डाइकोंडाइलिक स्कल प्रेजेंट होता है. अब डाइकोंडाइलिक स्कल क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना. पाइसिस के पास मोनोकोंडाइलिक स्कल होता है, क्योंकि मोनोकोंडाइलिक और डाइकोंडाइलिक स्कल क्या होता है वो ध्यान से समझिए, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा. जो हमारा स्कल होता है वो यहाँ से इस तरफ, इस पॉइंट से स्कल में टू बोन्स निकलती हैं, ठीक है. नाउ इधर या तो दो बोन्स निकलेंगे या एक बोन निकलेगा. अगर दो बोन रिलीज होती हैं स्कल से, दैट इज डाइकोंडाइलिक स्कल, ठीक है. और अगर वहां पे एक बोन निकल रहा है, विच इज मोनोकोंडाइलिक स्कल. अब अगर मैं बोल रही हूँ कि एम्फीबियन डायकोंडाइलिक है, इट मीन्स इनके स्कल से दो, इस तरीके से दो बोन्स निकलती हैं. ये दो बोन जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम का फर्स्ट वर्टेब्रा है उसके साथ जाके इस तरीके से बाइंड हो जाती हैं, ठीक है. अब अगर यहीं पे मोनोकोंडाइलिक स्कल होता है तो एक बोन निकलती है जो कि इस वर्टेब्रा में, फर्स्ट वर्टेब्रा में इस तरीके से जाके फिक्स हो जाती है. दिस इज मोनोकोंडाइलिक और डायकोंडाइलिक में डिफरेंस. अब पाइसिस के पास सिर्फ मोनोकोंडाइलिक स्कल है, विच मीन्स वहां से सिर्फ एक कोंडाइलिक नर्व निकलती है या बोन निकलता है. और अगर मैं डायकोंडाइलिक स्कल बोल रही हूँ, तो दे इट रिलीजेस टू बोन्स, ठीक है, जो कि फर्स्ट वर्टेब्रा से जाके ऐसे बाइंड हो जाती हैं. तो अटैचमेंट होता है स्कल के बीच में और वर्टेब्रल कॉलम के बीच में. एक्सक्रीशन की बात करते हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड है. दे हैव किडनी, दे हैव यूरेटर, दे हैव यूरिनरी ब्लैडर, लेकिन एनस को क्लोएका ने रिप्रेजेंट कर रखा है, यानी कि एनस ना होके दे हैव क्लोएका और क्लोएकल अपर्चर, विच इज अ वेरी 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 सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ एम्फीबियंस, ठीक है. क्योंकि एनस तो आप आगे भी पढ़ेंगे, अब क्लोएका के बारे में समझना बहुत जरूरी है. इससे पहले भी मैंने अभी बताया आपको डाइजेशन के टाइम पे भी कि क्लोएका क्या है. क्लोएका एक कॉमन पैसेज होता है जहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम आके ओपन होते हैं. तो आपको दिख रहा है कि इनके पास किडनी तो है, पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट है, दे हैव यूरेटर, दे हैव यूरिनरी ब्लैडर टू. अब यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर जो है वो क्लोएका में जाके ओपन होते हैं और फिर क्लोएकल अपर्चर के थ्रू एक्सक्रीशन हो जाता है, ठीक है. तो ये इतना सा ही एक्सक्रीटरी सिस्टम में, लेकिन ये ध्यान रखना है कि दे हैव क्लोएका. नाउ अब मैं बात कर रही हूँ तो दैट्स इट. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जानने वाली कि मैंने बहुत स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि जो लार्वा होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, जो एडल्ट्स होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं. तो इनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो भी इसी तरीके से है कि जो हमारे पास लार्वा हैं वो एमोनोटैलिक हैं, क्योंकि वो पानी में रहते हैं तो अमोनिया रिलीज करेंगे, और जो हमारे पास एडल्ट्स हैं वो यूरिया रिलीज करते हैं तो वो यूरियोटैलिक हैं, ठीक है. तो वो उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनका बॉडी डेवलप्ड है, इस तरीके से ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकलता है. Now we are moving to the very very last topic of amphibians, which is reproduction. Reproduction
बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि अगेन यहाँ पे क्लोएका ही रूल करता है, क्लोएका का ही मेन वो फंक्शन होता है. बट इम्पॉर्टेंट है समझना कि रिप्रोडक्शन एम्फीबियंस का सिर्फ वाटर में होता है. क्वेश्चन आता है कि वाटर में ही क्यों होता है? अगर ये लैंड पे रह सकते हैं तो ये लैंड पे ही रिप्रोडक्शन क्यों नहीं करते हैं? सबसे पहला रीज़न, क्योंकि फीमेल एग ले करते हैं, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में इनका फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है. तो मैंने पहले भी कहा था कि अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है तो इन्हें कोई मीडियम चाहिए जहाँ से स्पर्म और एग एक दूसरे पे से मीट कर सकें फ्यूजन के लिए. वहाँ फर्टिलाइजेशन के लिए वो एक दूसरे से मिलना ज़रूरी है. अगर कोई मीडियम ही नहीं होगा उनके पास तो वो मिल नहीं पाएंगे. तो फ्लूइड इज़ अ वेरी इजी मीडियम जहाँ से स्पर्म और एग का फ्यूजन पॉसिबल कराया जा सकता है. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये होता है कि जो एम्फीबियंस एग्स ले करते हैं उन एग पे कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती है. अब अगर वो एग वाटर में ना रह के लैंड पे रहते हैं तो क्योंकि उनके पास कोई कवरिंग नहीं है तो डायरेक्ट सन रेज से वो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएंगे. तो वो ड्राई ना हो और उन्हें डेसिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट. इसीलिए ये वाटर में ही जाके एग प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनका एग प्रोटेक्टेड रहे और डायरेक्ट सन रेज उन्हें ना मिले. ठीक है, दूसरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ईजी हो जाए. अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ये सबको पता है क्योंकि फ्रॉग्स के टेडपोल ऑलमोस्ट सबने देखे होंगे होपफुली. तो हाँ, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और इनमें टेडपोल का फॉर्मेशन होता है. ये नीचे डायग्राम में फीमेल और मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसी के कुछ पार्ट्स हैं. आप ध्यान से देखिए, एक फीमेल वाले में फीमेल के पास भी वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम है. दे हैव वेनाकावा, दे हैव ओवरी टू रिलीज एग्स, दे हैव एड्रिनल ग्लैंड, ओविडक्ट. ठीक है, एंड ऑल दिस थिंग्स आप देखेंगे, यूटरस और फिर ब्लैडर, एंड ब्लैडर इज ओपनिंग इनटू क्लोएका. तो क्लोएका ही अल्टीमेट पॉइंट है जहाँ पे पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओपन हो रहा है. और जब मैं मेल की बात करूँ तो दे हैव वेनाकावा, दे हैव टेस्टिकल, दे हैव स्पर्मेटिक कैनाल, एड्रिनल ग्लैंड भी होता है इनके पास. ठीक है, एंड लास्ट में दे हैव ब्लैडर विच ओपन्स इनटू क्लोएका. तो वहीं से आप देखेंगे कि वहाँ तो हमारे पास यूटरस था. ठीक है, यहाँ जो यूटरस था इट इज़ ओपनिंग इनटू क्लोएका. यहाँ पे दे हैव स्पर्मेटिक कैनाल. ठीक है, दे हैव दिस स्पर्मेटिक कैनाल विच अल्टीमेटली ओपन्स इनटू क्लोएका एंड देन रिलीजेस द स्पर्म्स. तो ये मेल का है, दैट वन इज़ फॉर फीमेल. तो ये जो ऑर्गन सिस्टम है ये भी बहुत बहुत वेल डेवलप्ड है इनके पास. तो पूरा का पूरा एम्फीबियन जो ग्रुप है ये बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड है. लेकिन कुछ इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि वाटर में वाटर की इनकी नीड ऑफ वाटर इन देयर लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस पे ध्यान देना, इसको याद रखना कि इन्हें पानी की ज़रूरत क्यों है. ठीक है, क्योंकि अगर इनका ये रिप्रोडक्शन, इनका ये पॉइंट नहीं होता, अगर इनके एग्स के पास कवरिंग होती और इनको फ्लूइड की ज़रूरत नहीं होती फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो डेफिनेटली ये पानी में कभी नहीं जाते. अब इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट एक बात जो बताने की है वो यही है कि जो हमारे फ्रॉग्स हैं वो फिशेज से ही इवॉल्व होकर आए हैं. क्योंकि ऐसा है कि माना जाता है कि जो फिशेज हैं वो पहले सिर्फ पानी में रहती थी, लेकिन फिर कुछ फिशेज का या कुछ एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स का एक थोड़ा सा किनारे पे आना स्टार्ट हुआ. उन्हें लैंड के बारे में पता चला, उन्होंने लैंड पे धीरे धीरे सर्वाइव करने की कोशिश करी. डेफिनेटली वहीं से कुछ एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है और हमारे पास एम्फीबियंस आए हैं जो सिर्फ पानी में या सिर्फ लैंड पे ना रह के दोनों जगह रह सकते हैं. तो दैट्स इट फॉर द एम्फीबियंस. आई होप आपको एम्फीबियंस के बारे में क्लियरली समझ आ गया होगा. नाउ नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक टू दिस वीडियो. एंड यू कैन गो टू वेरियस डिफरेंट वीडियोज, यू कैन वॉच डिफरेंट वीडियोज़. मैंने उनका सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ अभी तक अपलोड हुई हैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सभी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. सो दैट इट विल बी ईजी फॉर यू टू गो टू एनी फाइलम एंड वॉच दैट वीडियो एंड अंडरस्टैंड दैम. सो थैंक यू सो मच, बाय बाय.